एक्स, अब फिर साथ में क्या है, थ्री वाई तो एजिटिव है ही, तो थ्री वाई। इसका देख लो टू वाई स्क्वायर का एक्स की पावर थ्री ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन मिलेगा क्या माइनस टू, नीचे भी माइनस टू काट देगा तो माइनस का क्या बचे, क्या बचेगा यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, दस वी फाइंड डेल यू अपॉन में डेल वाई, इट मीन्स डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इसका भी जीरो, इसका थ्री अपॉन में एक्स, इसका वाई के रिस्पेक्ट में माइनस का टू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, देन वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई और फिर साथ में डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एन का मान क्या है हमारे पास में ये थ्री वाई एक्स माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस डेल यू बाई डेल वाई माइनस थ्री अपॉन में एक्स और प्लस का टू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर और फिर साथ में डी वाई, कुछ बचा ही नहीं सारा कट गया, इक्वल टू आ गया जीरो। ठीक है, सॉरी, देन कंप्लीट सॉल्यूशन, अतः संपूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन u प्लस वी इक्वल टू सी। यू का मान क्या है हमारे पास में, वो है ये तो x प्लस थ्री वाई अपॉन में x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, प्लस का वी तो हट ही गया, इक्वल टू सी, तो ये हमारे पास में है आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर साथ में डी एक्स, साथ में डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर जीरो। ठीक है, बराबर आ गया हमारे पास में जीरो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वैसे तो दिख रहा होगा कि ये समघात है, ये पावर तीन पावर तीन पावर तीन और पावर तीन, तो समघात से अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समघात से सॉल्व करने के लिए बताया था कि अगर पावर दो तक हो ना तब तक तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन वगैरह आसान पड़ जाता है। पावर तीन चला जाए और अगर आपको फॉर्मेट दिख रहा होगी एम डी एक्स और एन डी वाई फॉर्मेट, तो अपन क्या करेंगे फिर इस टाइप के क्वेश्चन को, कोशिश करो फिर हमेशा कि उसको सॉल्व करो नॉन एग्जैक्ट से, क्योंकि आप लोग एक चीज़ ये देख रहे होंगे नॉन एग्जैक्ट के भी अपन क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना उसमें वी का मान सारा कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो जब कैलकुलेशन बढ़ जाता है ना तब लास्ट का कैलकुलेशन कम कर देता है। ठीक है, ये माना हमारे पास में। ठीक है, सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं।
जांच करते हैं। हेयर एम इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, और n का मान क्या है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, डेल m अपॉन में डेल y, एक्स स्क्वायर माइनस y के रिस्पेक्ट में माइनस फोर एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ से अपन करेंगे क्या, डेल n अपॉन में डेल x, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस x के रिस्पेक्ट में फोर एक्स वाई, फोर एक्स वाई, ये किसका मान है, डेल n अपॉन में डेल ऑफ x का मान है ये, ठीक है। तो डेल m अपॉन में डेल y, डेल n अपॉन में डेल x नॉट इक्वल, सिंस डेल m अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x, यथावत अवकल समीकरण नहीं है। इसे हम यथावत में परिवर्तित करने के लिए अब तो बार बार लिखने में आपको ये लग रहा होगा एक ही चीज़ को बार बार लिख रहा है, तो वही सॉल्यूशन है, हर क्वेश्चन में ये करना है हमें, आपको एग्जाम में भी करना है ये चीज़। इसे हम यथावत में परिवर्तित करने के लिए आई एफ का मान ज्ञात करते हैं। आई एफ बराबर फॉर्मूला वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई, क्यों, इसके इसका भी रीजन लिख दो कि दिया गया अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। तो I F इक्वल टू वन अपॉन में एम एक्स, एम वाले को करना x से गुणा करो, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब वाई, इसको भी x से, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एन वाले को y से थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर माइनस का y से एक्स क्यूब वाई कट गया, वन अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी वन अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मान किसका है, ये है आई एफ का। इसे हम दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं जिससे हमें यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है, जिससे हमें यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है, यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होगा तो अब अपने को सारी वैल्यू लिखनी है। अब हम U का मान ज्ञात करते हैं, U का मान ज्ञात करते हैं। Now we find U। अच्छा, U से निकालने से पहले M और N का मान भी देखना था, M और N का
मान भी देखना है हमें यू निकालने से पहले, या तो यहाँ पे लिख दो या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलो हेयर m इक्वल्स टू m का मान देखो कहाँ है, ये था, इसको करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा। अब तो डायरेक्ट लिखने लग जाओ ना, अपॉन में आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वन अपॉन में वाई बचेगा, एक तो बचेगा m का मान वन अपॉन में वाई। इसके नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस का टू अपॉन में x, माइनस का टू अपॉन में x, ये तो क्लियर है ना। n बराबर इसको करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा ऊपर माइनस का x अपॉन में वाई स्क्वायर, तो माइनस का x अपॉन में वाई स्क्वायर। इसके नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, नीचे बचेगा एक y यानी प्लस का 3 अपॉन में y, तो प्लस का 3 अपॉन में y, ये वैल्यू किसकी निकल गई n के लिए। n के लिए क्या मान निकल गया हमारे पास में, ये मान निकल गया, ठीक है। अब हम u का मान ज्ञात करते हैं, नाउ वी फाइंड यू, यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स, क्लियर है। तो एम डी एक्स यानी इंटीग्रेशन एम का मान वन अपॉन में वाई माइनस टू अपॉन में एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स में, और वाई इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। देन यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स में, बोले इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे एक्स में, इसका कर देंगे एक्स अपॉन में वाई, कांस्टेंट का समाकलन जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल गुणा में आ जाता है, ठीक है। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस का टू एज इट इज, और वन अपॉन में एक्स का लॉग एक्स, ये भी आसान है। नाउ वी फाइंड डेल यू अपॉन में डेल वाई इक्वल्स टू, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो एक्स तो एज इट इज रहेगा, अब वन अपॉन वाई का क्या मिल जाएगा, माइनस का वन अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक है। कटने के लिए तैयार है क्या, देखो कुछ, बोला हाँ कटने के लिए तो तैयार बैठा है पहले से ही, ये निकल गया डेल यू बाई डेल वाई। v का मान ज्ञात करते हैं, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और साथ में dy, v इक्वल्स टू n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर साथ में dy, रख दो इन सब का भी मान, कहाँ दिक्कत आ रही है। इंटीग्रेशन n, n का जो मान हमारे पास में है वो ये है n का मान, ठीक है। तो n का मान क्या है, माइनस का x अपॉन में y स्क्वायर और प्लस का 3 अपॉन में y, माइनस डेल यू बाई डेल वाई यानी प्लस x अपॉन में y स्क्वायर और फिर साथ में dy, और x जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये देखो कटने के लिए तैयार है पहले से ही, काटने वाला होना चाहिए, कटने के लिए तो ये तैयार है पहले से ही, ये कट गया और ये कट गया। इसका समाकलन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो 3 तो एजिट ही रहेगा और 1 अपन वाई का क्या मिल जाएगा, 3 लोग y, तो इसका मान क्या मिल जाएगा, v बराबर 3 लोग y, ठीक है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन
u प्लस वी इक्वल टू सी, u प्लस वी इक्वल टू सी, u का मान x अपॉन में y माइनस टू log x, v प्लस थ्री log y, प्लस थ्री log y इक्वल टू सी। क्लियर है? इसका मान क्या आ गया, वो हमारे पास मच चुका है, ये u प्लस वी इक्वल टू सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मेन यही होता है कि सबसे पहले देखो कि सॉल्व किससे होगा, ये सॉल्व किससे करोगे आप लोग। अगर नॉन एग्जैक्ट से करोगे तब तो जाकर के इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आईएफ निकालना पड़ेगा। और आईएफ निकालने के लिए ये हमारे पास में सबसे फर्स्ट मेथड था, आईएफ निकालने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड यही था हमारे लिए कि सबसे पहले देख लो कौन सा बन रहा है ये। ठीक है, फाइंड आई एफ मेथड, मेथड सेकेंड। एक बार डिस्कशन में कर चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार और बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोग, मैं एक साथ टेबल बना दिया सारे मेथड का, चारों मेथड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आई एफ के लिए ही एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर जीरो। जब होमोजीनियस नहीं हो, जब होमोजीनियस नहीं हो तब देखो कि ये फॉर्मेट बन रहा है क्या। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे वाई भी होनी चाहिए। अगर x की पावर एक है तो y की पावर भी एक होनी चाहिए। अगर x की पावर दो है तो y की पावर भी कितनी होनी चाहिए, दो ही होनी चाहिए। तो सबसे, इसलिए सबसे मेन मेथड है इसका, ज़्यादातर क्वेश्चन एक पूछता ही पूछता है। अब बाहर ध्यान रखना, अगर dx के साथ में बाहर तो होनी चाहिए y, और dy के साथ में बाहर होनी चाहिए x। अगर x और y नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा इसमें से कॉमन, अगर नहीं है x और y तो आपको लेना पड़ेगा कॉमन। क्लियर है? देन इसका जो आई एफ बनता है, देन आई एफ जो इसके लिए है वो ये है, वन अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई। इसके लिए जो आई एफ का मान है वो है वन अपॉन में एम एक्स माइनस का आई ए एन वाई। ठीक है, तो ये देखना है आपको नेक्स्ट मेथड के अंदर कि अगर इस टाइप का फंक्शन है तो पहले अपन कैसे चेक करेंगे आई एफ निकालने के लिए, होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है फिर जाएंगे अपन इस वाले मेथड पे कि क्या ये मेथड है क्या। इस वाले मेथड पे जाओगे तब इसके अंदर ये फॉर्मेट अप्लाई करोगे कि इससे ये वाले से सॉल्व हो जाएगा क्या। ठीक है, चलें इसके क्वेश्चन पे, मेथड में कल भी समझा दिया था एक बार। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन और साथ में एक्स डी वाई बराबर
जीरो। ये आपके सामने मान लो क्वेश्चन आ गया। अभी आपको नहीं पता है कि इसके अंदर कौन सा मेथड लगेगा कौन सा मेथड नहीं लगेगा, तो मेथड जब नहीं पता तो सबसे पहले मेथड जो है आप लोग स्टार्ट तो करोगे करोगे, एग्जैक्ट पे तो बहुत बाद में जाओगे। सबसे पहले देखो कि क्या वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है क्या, मतलब वेरिएबल सेपरेबल तो बोला एक्स वाई कहाँ कहाँ से अपन अलग करेंगे, कॉमन ही नहीं आ पाएगा। वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगा तो बोला सेकेंड पे चलो, सेकेंड पे जाओगे होमोजीनियस पे, तो बोला होमोजीनियस क्या कहता है कि पावर सबके समान होनी चाहिए। बोले कहाँ है पावर समान, बोले इसकी तो चार पावर है और उसके अगले वाले टर्म्स की दो पावर है, बोला पावर भी समान नहीं है। बोले पावर भी समान नहीं है तो नॉन होमोजीनियस तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस के लिए भी पावर तो इक्वल होनी चाहिए, पावर तो इक्वल होनी चाहिए। फिर जाओगे आप लोग पता है किस पे, एग्जैक्ट पे, लीनियर पे जाओगे तो लीनियर तो वैसे ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक्स एक बार होना चाहिए या फिर वाई केवल सिंगल बार होना चाहिए, इसमें तो बोले जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई भी है तो लीनियर भी नहीं बन पाएगा। फिर जाओगे सीधा सीधा एग्जैक्ट पे, बोले कि हाँ अब ये एग्जैक्ट बन सकता है, ये डी एक्स के साथ में एम और डी वाई के साथ में एन, तो यथावत अवकल समीकरण ये हो सकता है। कई लोग तो जो दिमाग लगा लेते हैं ना वो क्वेश्चन देखते ही पता कर लेते हैं, अच्छा डी एक्स ने बाहर वाई दिया है और इसके साथ में बाहर एक्स दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन एग्जैक्ट का क्वेश्चन है। और आई एफ का वाला कौन सा है, वन अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है। तो जिनको मेथड पता रहता है ना वो दिमाग यहीं से लगा लेते हैं, अच्छा अपोजिट दे दिया ना, इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंड मेथड से होगा ये सॉल्व, ठीक है। और जिनके पास नहीं भी दिमाग है ना वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है, चेक करते जाओ आगे जाके भी पता चल जाएगा कि इसके लाइफ का फॉर्मूला ये होता है। आ जाओ देखो, ये कंप्लीट वैल्यू इसके लिए होगी हमारे पास में, एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। देखो सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं, जांच करते हैं, क्लियर है। अर्थात मान लिखना है यहां से, हेयर m इक्वल्स टू, अब कई लोग तो देखो इस y को भूल जाते हैं, बोले कि m में तो ये y भी आएगा, तभी तो होता है ये m dx, तो m में ये y भी आएगा। m बराबर क्या है, x स्क्वायर y क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का ये n बराबर, ये x भी अंदर आएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का x, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1, और यहाँ से निकालना है डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से माइनस का 2xy प्लस 1। बोला कि एक बस माइनस की फ़र्क है, देखो यहाँ पे उसमें तो प्लस है इसमें माइनस है, बोला फ़र्क तो फ़र्क होता है चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, चेंज तो दे दिया ना ये, तो बराबर तो अपन नहीं कह सकते हैं। अगर बराबर, हाँ अगर अपन ये जानते ना कि प्लस बराबर होता है माइनस तो अपन कह देते कि दोनों बराबर हैं, लेकिन ये अपन कह ही नहीं सकते कि प्लस बराबर होता है माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट तो नहीं है। अर्थात दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है,
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथावत तो ये नहीं है। क्या करेंगे इसको अपन, यथावत में परिवर्तित करने के लिए वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कन्वर्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मीन्स वी फाइंड आई एफ, अर्थात हमें आई एफ का मान निकालना पड़ेगा। और आई एफ का मान निकालना पड़ेगा तो आई एफ के लिए दिया है, दिया गया एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर जीरो रूप है, अर्थात समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर वन अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई, वन अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई, ये वाले फॉर्म है नहीं, इसलिए ये फॉर्मूला एम वाले को करना x से गुणा, एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स से प्लस का एक्स वाई माइनस, अब प्लस माइनस का ध्यान रखना बीच में माइनस आ रहा है, एन वाई वाई से गुणा करना है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब फिर माइनस, और माइनस माइनस प्लस कर देगा, वाई से करना है इसको, ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कुछ कट रहा है क्या, कटने के लिए तो बोला पहले ही तैयार रहता है कुछ ना कुछ, तो एक्स वाई से एक्स वाई भी गया, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, वन अपॉन में टू एक्स स्क्वायर और साथ में वाई स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर और साथ में वाई स्क्वायर, क्लियर है, टू भी रहेगा साथ में, सॉरी आ जाओ आगे। ठीक है यहाँ तक तो आ जाओ आगे। इस आई एफ वाले को दिए गए समीकरण से गुणा करने पर हमें यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है। आई एफ टू मल्टीप्लाई इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां ये सब लिखना है अपने को, आई एफ, आई एफ को दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करने पर हमें यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है, क्लियर है, इसको अपन गुणा करेंगे तो अवकलन मिल जाएगा हमारे पास में, m बराबर m का मान सब ध्यान से देखना, इसके अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का अपॉन भी आएगा, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई क्यूब एक ऊपर बचेगा y, नीचे बचेगा 2 y अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गया, वाई स्क्वायर भी चलो कैंसिल, वाई अपॉन में 2 ही बचेगा केवल, हाँ बस प्लस वाई अपॉन में 2 यहाँ से